फरमाया कद अफलह المؤمنون, कामयाब हो गए मोमिन। मोमिन केड़े कामयाब हो गए? الذين هم في صلاتهم خاشعون। भी हमारे चैनल कारिया को फैसलाबादी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह। शुदा माना एक है यकसुई दे नाल, इनहिमाक दे नाल, बड़ी तवज्जो दे नाल अल्लाह नाल राबता नमाज च जोड़ के रखिया कर। ये नहीं कि अपने कपड़े सवारन ते वाल सवारन ते लग्या रवे, ना ना, ये खुशुओ खुजू दे मुनाफी है। क्यों जो इंज कम अज कम इंज समझ, जिवें बंदा बहुत बड़े किसे बादशाह या बड़े बंदे दे सामने ऐसी कोई हरकत नहीं करता कि बंदा मायूब लगे। क्यों जी? इस वास्ते बस इतना का समझ ले कि अल्लाह नाल ताल्लुक जोड़ के बस अल्लाह दा हो करके रह जा, और नमाज अंदर कम अज कम ख्याल कर के जनाब तू अल्लाह नू आप वेख रहे आए। अगर ये तेरा जेन नहीं बन सकता फिर इतना तो जरूर होवे कि अल्लाह तेनू ते वेख रहा है ना, बस इंज दी नमाज। फिर हदीसा दे अंदर आंदा है बंदे अपनी नमाज, हर नमाज अपनी जिंदगी दी आखिरी नमाज समझ करके पढ़, फिर नमाज रूटीन नाल, वरना पढ़ी पढ़ी जो कोई तवज्जो रही ना रही खुशुओ खुदू नहीं। फरमाया ओ मोमिन कामयाब ने, ईमान ते लै आंदा पढ़ लिया कलमा है जी, जेड़े अपनियां नमाजां दे अंदर खुशुओ खुदू करदे ने। अगे दे बाद अल्लाह करीम ने छे सिफात मोमना दियां होर बयान फरमाईयां, और सतवीं दे अंदर ये सिफत खाशिउन वाली सिफत दे समेत, यानी अठवीं सिफत अल्लाह करीम ने फिर बयान फरमाईए। फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, कामयाब मोमिन अपनियां नमाजां दी निगरानी करदे ने, युहाफिज़ून मुहाफजत करदे ने, यानी पहरा देंदे। जे पहरा ये नहीं पढ़ ली नहीं तो ना पई कुछ जमात नाल को वैसे कुछ जिवें सूत आया पढ़ ली नहीं, आदतन नहीं, बल्कि मुहाफजत करनी है पूरी नमाज सुन्नत दे मुताबिक, वक्त दसे हुए दे मुताबिक बाद जमात नमाज पढ़नी है। शरी उजर ते अलग होया कर दे ना, और अल्लाह ने फरमाया जेड़े मोमिना दे अंदर ये आठ सिफतां पाईया जांदियां ने, बात लंबी ना हो जाए, यानी अल्लाह ने उन्ना दे बारे अंदर फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, एहो ही ते लोग ने जड़े वारस बना दिते गए, वारस बन गए केदे वारस, अल्लज़ीना यारिसूनल फिरदौसा, फरमाया हुम फीहा खालिदून, वारस बन गए जन्नतुल फिरदौस ते, जन्नतुल फिरदौस सारियां जन्नतां तो आला जन्नत है, अल्लाह दे अरश दे नीचे जन्नतुल फिरदौस अंदर जाने वाला रब दा पड़ोसी होएगा, रब दा गवांडी होएगा। प्यारे महबूब ने भी फरमाया जदों भी रब कोलो जन्नत दा सवाल करया करो ते जन्नतुल फिरदौस मंगया करो। हदीस एक होर चांदा है जेड़ा तीन वेरी अकीदा पुख्ता होवे तौहीद वाला, रिज़्क़े हलाल सिदके बकाल होवे, वो बंदे दी जिंदगी दे अंदर आमाल च प्यारे नबी दा सोना तरीका सुन्नत दे मुताबिक अमल करन वाला होवे, तीन वेरी जेड़ा रब कोलो जन्नत मंगे अल्लाह जन्नत दे ही देंदा है। सुभान अल्लाह। इस तरह हदीस आता है तीन वेरी जहन्नम की अग तो पनाह मंगण वाला एहो जिहा बंदा अल्लाह उन्हें जहन्नम की अग तो बचा ही लैंदा है। अल्लाह करीम ने नाल ही फरमाया कि बंदिया तेरी तखलीक पूरे कुरान विचो जगह जगह ते बयान होया, लेकिन पूरे को खुलासा तो यह होता ना कि मसला एक बारी बयान कर दो अगे अगे गुजरते चले जाओ। बस अल्लाह करीम ने तेरी तखलीक दे बारे अंदर फरमाया, फरमाया वला कद खलकन الإنسان من سلالة من
मुकील। बंदिया तेरी तखलीक अल्लाह ने खन खनांदी होई खड़क दी होई मट्टी चो अल्लाह ने पे तेरी तखलीक फरमाई है। अल्लाह फरमा देने ثم جعلناه نطفة في قرار مكين। अल्लाह करीम ने पानी दे उस नुत्फे नू अल्लाह करीम ने बहुत महफूज जगह ते उनु करार दे झड़े आए, यानी मां दे रहम अंदर रहमे मादर दे अंदर उते ही बच्चा महफूज जगह ते बड़े बढ़िया हिफाजत नाल परवरिश करदा है पलदा। सुभान अल्लाह, अल्लाह निगरानी कर रहा हुंदा है, अल्लाह ही सारे निजाम बनांदा है। एदे बाद फरमाया ثم خلقنا النطفة علقة, फरमाया ओ जड़ा नुत्फा है फिर जनाब जमे हुए खून दा लोथड़ा बन गया, उन लोथड़ा बना देता। فخلقنا العلقة مضغة, अल्लाह करीम ने उस लोथड़े नू जनाब गोशत दी एक जनाब गोशत दा टुकड़ा बना देता। فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, फिर गोशत दे टुकड़े चो अल्लाह ने हड्डियां पैदा फरमा छड़ियां। वाह जी वाह, हड्डियां तो बगैर कल्ला गोश्त बंदे दी बनावट बाणी नहीं सकदी सी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह करीम ने गोशत दे टुकड़े दे विचों हड्डियां पैदा फरमाइयां, फिर हड्डियां पका सऊन अल उज़ाम लहमा, हड्डियां ते गोश्त चढ़ा दिता किते ज्यादा किते थोड़ा जिथे जिथे जेदी जरूरत सी। क्यों जी, अगर किसी उंगली दे उत्ते ही इतना सारा गोश्त चढ़ जाता क्यों जी, चंगी लगनी सी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, जिथे जिथे जरूरत पई जिवें जिवें सोहना लगता सी बंदा, अल्लाह ने इंज हड्डियां दे उत्ते गोश्त चढ़ाया। और ثم أنشأناه خلقا آخر, फिर अल्लाह ने दे बाद एक दूसरी बेहतरीन किस्म दी मखलूक बना छड़ी। बंदिया तेनू बेहतरीन बनावट अंदर जनाब तैयार कर छड़े आए। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फिर ओ कितनी बाबरकत जात है अल्लाह, कितना बाबरकत है जिन्ने सारे तखलीका करने वाले चो तेरी सोहनी तखलीक फरमाई। मतलब दूसरे तखलीक करने वाले की किसी ने कोई जनाब है जी कोई चीज बना ली, किसी ने कोई गाड़ी बना ली, किसी ने कोई मोबाइल बना लिया, क्यों जी ये तखलीका अल्लाह दी दित्ती हुई सोच समझ नाल बनांदे ने। लेकिन अल्लाह जेड़ा खालिक है उन्हें सारे तखलीक करने वाले चो सब तो प्यारी ते सोहनी तेरी तखलीक फरमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। एदे बाद आज दे सबक अंदर बस ये दो पॉइंट बयान करने सन, दूसरा ये इधर वेखना। फरमाया अल्लाह करीम ने जदो मेरे तेरे प्यारे पैगंबर सूरत नूर, सूरत नूर आ गई, फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा मेरी तेरी अम्मी आयशा सिद्दीका ते बहुतान जदो लाया मुनाफका ने कई कलमा गो ते मुसलमान भी होदा उन्हां दीआं गल्लां दा शिकार हो गए, वह भी गल्लां कर नजर आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम ने फरमाया जदो आसमाना तो वही आई मुख्तसर बाद अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला ने अल्लाह नाल काल मिला छड़ी, बढ़िया परेशान जालमा बहुतान जो ला छड़े आए। अम्मी आयशा दी इज्जत दे हमला इतने डायरेक्ट नबी पाक दे हमला सी ना, नबिया दिया बीवियां नबिया दिया बेटियां नबिया दिया वो जे बुराई वाले कम्मा तो बेहयाई ते फाशी वाले कम्मा तो पाक होया कर दिया ने, लड़िया ही अल्लाह ने पाक बनाईया ने। एवो ही वजह सी ना हजरत ईसा अलैहि सलाम कहंदे सन ओ अजअलनी नबिया,
मैनू अल्लाह ने नबी बनाया है, नबी नजीब तरफैन होया करदा है, मेरी मां दे खिलाफ फर्जा सराई करने वाले हो अपनी जबाना नु लगाम दे लो, मेरी मां पा के दे दलीले ओ जवलानी नबिया। ये दलील है कि मैं अल्लाह दा नबी हाँ, नबी होना ही मेरी मां की पाकीजगी दे उत्ते तहारत दे उत्ते दलील दलील है। अल्लाह अकबर। इसे तरह अल्लाह करीम ने आसमाना तो वही नादल फरमा छड़ी, अल्लाह फरमाया वल्लौला इस्समितुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाजा सुबहानक हाजा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह फरमाते ने मेरे प्यारे महबूब जदो इल्जाम वाली गल सुनी सी, गल समझण वाली है, बहुत प्यारा तर्जमा दा बड़ा प्यारा मफहूम है। अल्लाह फरमाते ने सोनिया जदो इल्जाम ते बहतान वाली गल सुनी सी उस वेले तुहानू ये लायक ही नहीं सी कि तुसी इस गल सुन तो बाद चुप रहंदे। हाँ जी जनाब, तुसी इन्हां दियां गल्लां सुनने तो बाद चुप रहंदे, ये तुहाडे वास्ते लायक ही नहीं सी सोणिया, इंज क्यों नहीं आख दिता गल सुनदे आई। सुबहानक हाजा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह जिवें तेरी खुदाई है बाते शरीकां दे तसव्वुर कोलो पाके, जिवें सोने दी मुस्तफाई पाके, इवें ऐशा दी औलियाई पाके, इंज क्यों नहीं कह दिता। वकीले सवाई ने जरा की आखिरी है ता गई। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात। अल्लाह फरमाया जेड़े लोग भी नेक औरतां ते गाफिल दा मतलब है बुराई दे इरादियां तो दूर रहने वालियां, जिन्हां दे दिलां च हो जी गलत सोच भी नहीं आंदी, सुभान अल्लाह, ऐ जे गाफिल रहने वालियां बुराई दे कम्मां इरादियां ते जियां गल्लां तो इतनियां नेक औरतां ते मोमिनात मोमिनात औरतां ते जेड़े लोग इल्जाम थरने की जसारत करते ने, अल्लाह फरमाया लुइनू लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जिवें उन्होंने इल्जाम बहुतान अजीम लगाया है, इवें अल्लाह फरमाया दुनिया च भी एहो जिहा ते लानता, आखरत अंदर भी लानता, और इन्हां वास्ते बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखिया है। अगर बहुतान अजीम है ते अजाब भी इन लोगों वास्ते, जहन्नम दा अजीम अजाब इन लोगों वास्ते। नाल अल्लाह करीम ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तैबातु लित्तैबीन वत्तैबून लित्तैबात। पाक औरतां पाक मर्दां वास्ते, पहले मेरे नबी नूं मेरे नबी दी घरवाली नूं मुअन्नस दा सीगा बोले है ना, पहले मेरे नबी दी बीवी नूं पाक मनना होएगा ते नबी नूं पाक मनन दा फिर तेरा इतबार होएगा। अल्लाह ने फरमाया वत्तैबातु लित्तैबीन वत्तैबून लित्तैबात। नाल ही फरमाया उलाइका मुबर्रऊना। इत्थे ते हद मुक गई। अल्लाह कहता है सारे दे सारे लोग बरी हो गए किदे चो मिम्मा यकूलून, ए
ہے جڑے لوگ گلہ کر دے سان ایک گلہ کرن والے آچو امی عائشہ نال محبت کرنے والے امی عائشہ دی پاکیزگی دیاں جناب صداواں بلند کرنے والے فریرے لہرانے والے اے سارے دے سارے بری ہو گئے انہا گلہ تو امی عائشہ دی بات ہو رہی ہے نال امی عائشہ دی عظمت دے قائل نے پاکیزگی اور طہارت دے قائل نے اے سارے دے سارے بری ہو گئے ایویں تے نہیں آکھیا نا اللہ اکبر ایویں تے نہیں اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم مولانا عبد المجید سودر بھی گزرے نے آ دو نا دے ٹچ بس دو جملے کہندے نے تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدائے لم یزل کا یہ انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہے وہ لب مبارک ہے یہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ